सुजानपुर शहर में अतिक्रमण करने वालों पर सुजानपुर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार के साथ साथ समस्त वार्ड पार्षद अतिक्रमण हटाओ अभियान में भाग लेंगे और शहर को साफ सुथरा एवं खुला बनाने में सहयोग करेंगे। शीघ्र ही इस अभियान को शहर में चलाया जाएगा। अभियान के तहत मुख्य मजार, मेन बस स्टैंड एवं रेडी फडी मार्केट पर ये कार्रवाई होगी और इसके साथ साथ शहर में जहां कहीं भी बिना आज्ञा के दुकानदारी चल रही है, रेडी फड़ियां लगाई जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें चलें कि कोरोना काल के चलते शहर में अतिक्रमण लगातार पांव पसार रहा है। इससे पहले अब तक लगातार नियमों के विपरीत जाने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती आई है, लेकिन इस महामारी के दौरान बीते 6 माह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सही हो रही है, उसी के मद्देनजर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार ने शहर के सभी वार्डों से आग्रह किया है कि अपने निर्धारित स्थान एवं दुकानदारी के अंदर ही सामान सजाएं। अब की बार नगर परिषद चेतावनी नहीं देगी, सीधा कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। किसी भी दुकानदार या किसी भी रेडी फड़ी वाले द्वारा जो है अतिक्रमण किया होगा तो नगर परिषद उसके लिए सख्त हो गई है। नगर परिषद आने वाले दिनों में ही कार्रवाई अमल में लाएगी और जितना शहर के सड़कों गलियों के ऊपर अतिक्रमण जो है किया गया है उसको हटाने का अभियान जो है नगर परिषद शुरू करने जा रही है। इसमें नगर परिषद के कर्मचारियों के अलावा हमारे नगर परिषद के पार्षद भी साथ होंगे और ये इस काम को हम अभियान के तौर पर जो है नगर परिषद क्षेत्र में चलाएंगे। जितने भी अनाधिकृत रूप से रेडी फड़ी लगाकर लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर से समय समय पर कार्रवाई करती थी, लेकिन कोविड के चलते ये काम रुक गया था, जिसके चलते अब लोगों ने अतिक्रमण जो है गलियों, रास्तों और नालियों के ऊपर करना शुरू कर दिया है, अनाधिकृत रूप से रेडी फड़ी लगाना शुरू कर दी है। तो नगर परिषद अब आने वाले कुछ ही दिनों में इस अतिक्रमण को हटाने का कार्य जो है अभियान के तौर पर चलाएगी, जिसमें हमारे सभी पार्षद और नगर परिषद के सभी कर्मचारी होंगे। मेरा सभी व्यापारी वर्ग से अनुरोध है, रेडी खड़ी वाले भाइयों से अनुरोध है कि वो सड़कों गलियों नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटा दे ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो। ज्यादा सामान बाहर रखने से लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, इस करके जो है हम अब कार्रवाई ला रहे हैं। मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि हम अब चेतावनी नहीं देंगे, उनके ऊपर जो है कार्रवाई हम अमल में लाएंगे।